नमस्कार, मैं अंकिता रासुरी। आज मैं अपनी ही कविता का पाठ करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है रेहाना के नाम। कविता का पाठ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यह कविता मैंने 26 साल की ईरानी महिला रेहाना जब्बारी को समर्पित की है। रेहाना जब्बारी को साल 2014 में अपने बलात्कारी की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। दुनिया भर में बहुत से लोगों ने रेहाना जब्बारी की फांसी को मुलतवी करने की मांग की थी, लेकिन वहां की हुकूमत ने एक भी ना सुनी। आइए सुनते हैं कविता। एक बेखौफ आवाज, एक मुस्कुराता चेहरा, सिर्फ मुस्कुराता ही नहीं, दर्ज कराता है मजबूती। यह सिर्फ स्थिर समय ही नहीं, जो सिर्फ इतिहास बनकर रह जाए। मैं सोचती हूँ रेहाना, तुम मेरी दोस्त तो हो ही, आने वाली हर नस्ल भी तुम्हारे साथ सीखेंगी मुस्कुराना, और धीरे धीरे उनमें भी प्रतिकार का बीज उगने लगेगा। मेरे सामने तुम्हारा चेहरा है और गूंजती हुई आवाज। तुम कहती हो कि अभी सुंदरता की कद्र नहीं है, न सुंदर आंखों की, न विचारों की, न चेहरे की। तुम सच कहती हो, पर एक सच और भी है रेहाना। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सुंदरता का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि उसे जी रहे हैं या जीना शुरू कर रहे हैं। वो ना तो तुम्हारे द्वारा की गई बलात्कारी की हत्या का उत्सव मना रहे हैं, ना ही तुम्हें दी गई फांसी के गम में दुनिया के खत्म हो जाने की चिंता कर रहे हैं। वे लड़ रहे हैं एक जंग उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हें दुनिया से भेज देने को थे आतुर। तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा दुआ किसी जन्नत की, तुम रहोगी जिंदा हमारी ही धरती पर, क्योंकि अनगिनत लड़ाइयां अब भी हैं बाकी। धन्यवाद।